हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को दो दिन पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार किया। उन पर पॉर्न फिल्म बनाने और उसे ऐप पर पब्लिश करने का आरोप है। इस मामले में वे 23 जुलाई पुलिस की हिरासत में रहेंगे। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर लोगों का मानना है कि शिल्पा शेट्टी को उनके बिजनेस के बारे में पता था। लोग यहां तक कह रहे हैं कि शिल्पा शेट्टी भी अप्रत्यक्ष रूप से इस बिजनेस से जुड़ी हुई है, लेकिन मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें इस मामले में बिजनेसमैन राज कुंद्रा की पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की कोई सक्रिय भूमिका नहीं मिली। मुंबई पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे ने कहा, हमें अभी तक शिल्पा शेट्टी की कोई सक्रिय भूमिका नहीं मिली है। हम जांच कर रहे हैं। हम पीड़ितों से अपील करेंगे कि वे आगे आए और क्राइम ब्रांच मुंबई से संपर्क करें। हम उचित कार्रवाई करेंगे। पुलिस कमिश्नर ने आगे कहा, क्राइम ब्रांच मुंबई ने इस साल फरवरी में अश्लील फिल्मों से संबंधित मामला दर्ज किया था। नई एक्ट्रेस को वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म में रोल देने का वादा किया गया था और उन्हें ऑडिशन में बॉल्ड और न्यूड सीन देने के लिए कहा गया था। महिला कलाकारों ने इसका विरोध किया और क्राइम ब्रांच से संपर्क किया, जिसके आधार पर एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोग जबरदस्ती ऐसी फिल्मों का निर्माण करवाते हैं। उमेश कामत नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो राज कुंद्रा के बिजनेस की भारत की कंपनी की देखरेख कर रहा था। उन्होंने कहा, कोर्ट की परमिशन के बाद हमने राज कुंद्रा के ऑफिस की तलाशी ली और कुछ क्लिप भी बरामद की, इसलिए राज कुंद्रा और उनके आईटी प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है।